कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन के शुरुआती दौर में जरूरी सामानों की आपूर्ति गड़बड़ाने से लोगों के सामने संकट गहराने लगा था। ऐसे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल की नई सोच रंग लाई और उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल शुरू कर दी। अब तक आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल के द्वारा बनाए गए पोर्टल से हजारों लोग अपने घरों में जरूरत के सामान मंगा चुके हैं। इस पोर्टल का परचम पूरे देश में फैलने लगा, जिससे अब पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अब तक 10 ऑनलाइन पोर्टल संचालित करके लोगों के घरों तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करा दी गई। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने में प्रशासन को कामयाबी हासिल रही। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न समेत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1400 दुकानों की सूची और उनके मोबाइल नंबर को फेसबुक व ग्राम प्रधानों के माध्यमों से गांव-गांव पहुंचाया गया। दुकानदार मनमानी कीमत न वसूलें, इसके लिए दुकानों पर निगरानी रखी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, अभी जब लॉकडाउन जब आया था यहाँ पे, उसके बाद से पब्लिक बाहर ना निकले, सड़कों पर ना निकले, तो हमने ये सुनिश्चित कराया कि लोगों तक सारा जो आवश्यक सामान है उनके घरों तक ही पहुँचाया जाए। अब जो बड़े प्लेयर थे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, ये सब बंद हो गए थे, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो हमने यहाँ के लोकल टैलेंट को बुलाकर, उनसे हमने डेवलपर बुलाकर उनसे बनवाया और असेंशियल आइटम्स को डाला उसमें और उसके जरिए होम डिलीवरी करवाई। तो पहले दिन जब हमने पहला ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था, उस लॉन्च होते ही लगभग 500 से 1000 ऑर्डर आ गए थे, तो बड़ी अच्छी सफलता थी। तो उसके देखते देखते हमने 9 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिए और लॉकडाउन को अभी 20 दिन हो गए हैं, 19-20 दिन, इस बीच लगभग 2 लाख से ऊपर ऑर्डर हम कर चुके हैं और बहुत सारे डिलीवरी बॉय हैं, लगभग 800-900 डिलीवरी बॉय जो शहर के हर पार्ट में हैं। तो 2 लाख ऑर्डर का मान लीजिए मतलब 40-50 हज़ार फैमिली को हमने सड़कों पर आने से रोक दिया है। तो पब्लिक मूवमेंट को हमने इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, पैनिक नहीं होने दिया, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हर चीज़ें वहाँ पहुँचा दी, हमने सामान वहाँ पहुँचा दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा प्रशासन का पूरी ध्यान आइसोलेशन, क्वारंटाइन और अन्य उसमें लगा रहा। वही गोरखपुर पूरी टीम की बड़ी सफलता रही कि हमारे अब तक हमारा कोई केस पॉजिटिव नहीं निकला है। इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है, हमारी तहसील सदर की टीम को जाता है, डीएम सर के मार्गदर्शन में सारा काम हुआ और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत एक इफ़ेक्टिव टूल रहा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमने बड़ा स्मूथली हैंडल कर लिया और जिसकी प्रशंसा हर स्तर पर हो रही है, राष्ट्र स्तर पर हो रही है, राज्य स्तर पर हो रही है। और मुझे लगता है कि हमारा जो मॉडल है गोरखपुर मॉडल, ये ऑनलाइन पोर्टल का, देश के अन्य ज़िलों में, अन्य राज्यों में इसको अपनाया जा सकता है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, अन्य जनपदों के लोगों ने संपर्क किया, हमारे बैचमेट्स हैं उनको हमने शेयर किया प्रेजेंटेशन, कल हमने भारत सरकार में भी अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है प्रदेश में भी और देश में भी, अन्य राज्यों में भी हमारा जो मॉडल है, क्योंकि लोकलाइज मॉडल है, यहाँ के हिसाब से लोकल नीड के हिसाब से मॉडल है, तो हो सकता है कि इस तरीके के मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए अन्य पार्ट्स में। सरकार की जो डिजिटल इंडिया की बात चल रही थी, ऑनलाइन सब चीज़ करने की बात, तो क्या डिजिटल इंडिया में इसमें काफ़ी लाभ होगा? हाँ, डिजिटल इंडिया बेसिकली अब आपके पास नेट है, नेट का कनेक्शन है, पर फिर भी हमने कोशिश की है कि नेट के साथ साथ मोबाइल नंबर के द्वारा भी, अगर कोई नेट नहीं चलाना जानता है तो मोबाइल से अपना ऑर्डर दे सकता है और डिलीवरी उस पर पहुँच जाए। तो अभी मुख्यतः हमारा पूरा ध्यान असेंशियल सप्लाई को सुचारू रूप से करना है, कहीं भी ये फील नहीं होने देना है कि आपको सामान नहीं मिलेगा। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन सामान मिल जाएगा और जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी, इस पर सबसे महत्वपूर्ण ये बात, बिना डिलीवरी चार्ज दिए MRP पे। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हैं, इस वजह से हमारा पब्लिक मूवमेंट सड़कों पर बहुत कम रहा। हाँ, ओवर प्राइसिंग हमने, क्योंकि 8 कंडीशंस हमने रखी हैं सभी पोर्टल्स के लिए कि ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो जो MRP है, आप पैक्ड आइटम को MRP पर देंगे और जो लूज़ आइटम है उसको जिला प्रशासन के द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से देंगे, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे। और हर दिन सुबह शाम मॉनिटरिंग हो रही है, नायब तहसीलदार सुमित हैं, उनके पर्यवेक्षण में पूरा काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कोई शिकायत भी नहीं आई हमारे पास कि ओवर प्राइसिंग की शिकायत आ रही हो या फिर वो कोई डिलीवरी नहीं हुआ, ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। बड़ा स्मूथली चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको अंजाम दिया है। इसी वजह से देश के अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में इसकी डिमांड हो रही है और हमसे मांगी जा रही है इसकी सूचना।